यहाँ पर हम बैकग्राउंड में पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की संधि होती है, संधि कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा, यानी संधि किसे कहते हैं। तो वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं। अगर हम संधि की परिभाषा देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का योग क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा उनके जोड़ने से जो हमें प्राप्त होता है वो संधि कहलाता है। अब संधि के अंदर हमें क्या करना होता है, संधि के अंदर हमें यहाँ पर कोई भी दो वर्ण जैसे जोड़ करके हम देख लेते हैं और उनसे किस तरीके से संधि बनती है उसकी हम बात करते हैं। जैसे संहिता की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं जिसके अंदर संधि की गई हो, जैसे पवन है, पवन के अंदर हमें संधि करना है, इसका संधि विच्छेद करें। तो पवन का संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं, पो प्लस अन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ओ है ये ओ छिपा हुआ है तो ओ प्लस ए मिलकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर ओ प्लस ए मिलकर के यहाँ पर बना रहा है व, और ये बन जाएगा पवन। तो इस तरीके से दो वर्णों का मेल यहाँ पर हो रहा है, ये वर्ण है ये वर्ण है, तो दो वर्णों का मेल यहाँ पर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अब संधि के भेद अगर हम देखें, संधि के तीन भेद हमें बताए गए हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि, इस स्वर संधि को हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। दूसरा होता है हमारे पास में व्यंजन संधि, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं हल संधि। तो ये कहलाएगा हमारा दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम क्या कहेंगे, हल संधि। अल में हलंत, अच में हलंत। तीसरा हमारे पास संधि का प्रकार होता है, वो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की, यानी अच संधि। स्वर संधि, इसी को हम बोलते हैं संधि भी बोलते हैं इसको। तो जब स्वर संधि के अंदर क्या होगा, स्वर, स्वरों का जब मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वर संधि के अंदर स्वरों का ही मेल होगा। अब स्वर संधि के यहाँ पर कितने भेद बताए गए हैं, आठ भेद बताए गए हैं। यहाँ पर स्वर संधि के अंदर मेल किसका होगा, स्वरों का मेल यहाँ पर होगा तो स्वर संधि होगी। अब यहाँ पर आठ भेद बताए गए हैं। पहला भेद है यहाँ पर स्वर संधि का, वो है यण संधि। दूसरा भेद है स्वर संधि का, वो है अयाधि संधि, अयाधि। तीसरा है यहाँ पर भेद है, वो है गुण संधि। चौथा भेद है संधि, पांचवा भेद है संधि का, वो है सवर्ण संधि। और छठवा भेद है यहाँ पर पूर्व रूप संधि, और सातवा पररूप संधि है। पूर्व रूप और सातवा है पररूप संधि, पररूप संधि, पररूप संधि। तो यहाँ पर हम देखें एक और संधि आती है आठवें नंबर की, वो आती है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। अब ये जो यण और अयादि संधि है, यण और अयादि संधि में क्या होगा, इन संधियों में, दोनों संधियों में क्या होता है, पूर्व के एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है, यानी पूर्व के वर्ण के स्थान पर यहाँ पर आदेश, वर्ण के स्थान पर आदेश होता है, यानी आदेश है वो सिर्फ
पूर्व के वर्ण के स्थान पर होता है। बाकी यहाँ पर जैसे गुण है, वृद्धि है, सवर्ण है, पर रूप है और पूर्व रूप है, इन संधियों के अंदर पूर्व और पर दोनों वर्णों के सामने एकादेश होता है, यानी इसमें पूर्व भी आ जाएगा और पर यानी कि बाद वाला। दोनों वर्णों के अब एक आती है हमारी प्रकृति भाव संधि। यहाँ पर प्रकृति भाव संधि के अंदर आई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि के अंदर यण संधि की। जैसे यण संधि का एक सूत्र होता है इको यणची। यण संधि हम पढ़ रहे हैं, यण संधि का सूत्र होता है इस सूत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सूत्र में क्या दिया गया है कि इसमें स्वर पर रहने पर क्या हो जाता है, एक एक माने यहाँ पर है इको यणची यानी एक का क्या हो जाता है यण में, इसका क्या हो जाएगा यण हो जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इक का यण किस तरीके से होता है। तो इक का यण होगा तो इसमें ये इक वर्ण कौन से कहलाते हैं और यह यण वर्ण कौन से कहलाते हैं। इक वर्ण में आ जाता है इक के बाद बड़ा हुआ है, ये एक वर्ण में आ जाता है। और एक वर्ण में एक और वर्ण आता है ऋषि, यानी ऋषि वाला जो है ये भी एक वर्ण में आ जाता है ऋषि। और एक यहाँ पर आ जाता है एक वर्ण में ल, ये चार वर्ण यहाँ पर एक वर्ण में आ जाते हैं। अब ये एक वर्ण बदलेंगे तो यण वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जैसे ई अगर आएगा तो ई बदल जाएगा ये में, तो ये में बदल जाता है। अगर ऊ आएगा तो ऊ बदल जाएगा बे में, तो ये बे वाला बे है, बे बकरी वाला बे नहीं है, ये बे है। बदल जाएगा और तो इस तरीके से इको यणची वाला सूत्र है यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी एक वर्ण है यण वर्ण में बदल जाएगा। अब इसमें यण संधि जो होगी उसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं जो ई है या फिर बड़ा ई है, ये किसमें बदल रहा है, ये में बदल रहा है। इसका उदाहरण हम देखें, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है अति, अति को जोड़ करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अति में क्या आ रहा है छोटा ही आ रहा है, और इसमें उत्तम में क्या आ रहा है ये उ आ रहा है यानी छोटा उ आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें इको यणची वाला सूत्र क्या कहता है कि ई प्लस ई के बाद में अगर हमें क्या आ रहा है ई और ई के बाद में अगर हमें ए या चे वर्ण आ रहा है, जैसे कि ई प्लस ई के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है ई प्लस ई के बाद में अच, अच मतलब हो गया यहाँ पर समझी के लिए, यानी कि ई और ई के बाद में अच आ रहा है। अच का मतलब हो गया यहाँ पर स्वर, क्योंकि अच संधि मतलब कि स्वर संधि, अच का मतलब स्वर है, यानी कि ई और ई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए। स्वर कौन कौन से हैं, जैसे इंग्लिश में तो होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में क्या होते हैं, जैसे ए आ छोटी ई बड़ी ई के बाद में अगर स्वर आता है
स्वर आ रहा है तो ये किस तरीके से बदलेगा? अगर स्वर आ रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे, ई को क्या समझ, ऊ वाली मात्रा उस ये के अंदर लग जाएगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अति प्लस उत्तम, तो ये ए और तय और ये हो जाएगा अत्यु और फिर तम आ जाएगा अत्युत्तम, यानी छोटी ई की मात्रा किसके अंदर बदल गई है, ये य के अंदर बदल गई है, यह बदल जाएगी, और ये उ की मात्रा है ये किसके लग गई है, य के लग गई है, यानी कि इस तरीके से मात्रा लग जाएगी और बाकी चीजें यहाँ पर सेम रहेंगी, और ये तय है ये आधा तय में बदल जाता है। इसे एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, कि इति प्लस क्या है, इति प्लस अत्र है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर छोटा ई है और यहाँ पर ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर संधि तो है ही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ई है वो ये में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्या। अब इसमें मात्रा क्या है, ए की मात्रा है, तो इसमें ए की मात्रा यानी इत्यत्र। एक और हम देख लेते हैं जैसे कि उदाहरण, प्रति प्रति प्लस एकम। अब इसमें हम देखें क्या क्या बन रहा है, इसमें जैसे छोटी ई है, ये छोटी ई है प्लस ये वाला ए है, ये यहाँ पर आ रहा है, अब ई का तो ये बन जाएगा और ये में मात्रा किसकी लग जाएगी, इस ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ये वाला ये। अब ये जो प्रति में है तो तय आधा रह जाएगा, तो ये बन जाएगा प्र तय, और ये वाला ये है ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी प्रत्येक और कै, और कै में आगे है ये, तो प्रत्येकम, तो ये बन जाएगा प्रत्येकम। अगर हलंत लगा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर भी हलंत लग जाएगा, तो इस तरीके से होगा। एक हम बड़ी ई की मात्रा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, स्त्री प्लस उत्सव, इसके अंदर हमें संधि लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, ये स्त्री है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा किसके अंदर बदलेगी, बड़ी ई की मात्रा के बाद में उ आ रहा है, उ छोटा आ रहा है, तो इसको कैसे बदलेंगे, ई का तो यह हो जाएगा, तो ये यह हो गया, और ये उ है, उ की मात्रा इसके लग जाएगी, तो यू हो जाएगा, अब यू के आगे आधा त्रय आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधा स आधा त्रय और फिर यू, तो ये हो जाएगा स्त्रियो, और फिर उत्सव में तस्व बस रहा है, तो ये तस्व आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्त्रुत्सव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यण संधि की पहचान कर सकते हैं, और यण संधि में हम इसको संधि कर सकते हैं। एक संधि का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक संधि करके देख लेते हैं, जैसे यद ध और पी, यद्यपि इसकी संधि हमें करनी है, तो यद्यपि की संधि हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ध बन रहा है, तो यद्यपि की हमें संधि करनी है, तो हमारे पास में क्या बनता है, यर लेवे के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर, तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो ध बन रहा है, ध के बाद में ये आ रहा है, तो यद्यपि आ रहा है, यानी यह इसके अंदर बन रहा है, तो ये को कैसे बनाएंगे हम, यदि यानी कि छोटी की मात्रा प्लस अपि, अब इसमें क्या हो रहा है, ई के बाद में ई का तो यह बन जाएगा, ई के बाद में ए आ रहा है, तो ई का क्या बन जाएगा, सिर्फ यह बन जाएगा, तो यद्य क्या आ रहा है, द के अंदर द और य मिलके बन रहा है धय, तो यद्यपि, इसलिए यहाँ पर ये दय में बदला है, और दय के बाद इस तरीके से इसको बोला जाता है। एक और हम देख लेते हैं कोई एग्जांपल,
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। एग्जाम्पल है सु धै यु, शुद्ध यु पास है, तो शुद्ध्यु पास है, इसके हमें संधि विच्छेद करना है। तो हम कहाँ पर ध्यान देंगे, जहां पर ये आ रहा है वहां से हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। तो ये आ रहा है, इसका मतलब ई आएगा, और ई कौन सा आ रहा है, ई यहाँ पर है, बड़ी ई भी आ सकता है, छोटी ई भी आ सकती है। ये हमें यहाँ पर देख किसमें बदलने वाली है, वो बदलने वाली है ये में, तो यहाँ पर आ जाएगा सुधी, क्या जाएगा सुधी। अब इसमें उ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब उ की मात्रा आएगी तो आगे उ आएगा, तो ये आ जाएगा उ, सुधी प्लस उ और फिर पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बड़ी ई की मात्रा है और प्लस उ, तो बड़ी ई की मात्रा किसमें बदल गई है, ये में बदल गई है, तो ये तो बन जाएगा ये में, और उ की मात्रा ये के अंदर लग जाएगी, तो ये बन जाएगा यू। तो इसका मतलब हो गया सदी प्लस उपास में ई प्लस उ बन मिलकर के यू बना रहा है। हम इसी का रूल, दूसरा रूल देखते हैं। जैसे कि ये तो हो गया हमारा ई का रूल, अब हम देखते हैं उ का रूल। उ के रूल में क्या आ जाएगा, जैसे कि अब तक का जो हमारा था, ये वाला जो प्रोसेस था, ये ए वर्ण के लिए था, यानी इसमें आगे क्या आ रहा है, अच वर्ण। अच वर्ण मतलब कि ए स्वर आ रहा है, ए आ इस तरीके से स्वर आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि उ का स्वर आ रहा हो, यानी कि हम कह सकते हैं उ स्वर आ रहा है, तो दूसरा रूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, उ का लिए इसे छोटा उ आ सकता है और बड़ा उ आ सकता है। तो छोटा उ और बड़ा उ अगर आएगा, तो उसके बाद में अगर स्वर आता है, क्या आता है स्वर, स्वर को हम बोल सकते हैं अच, यानी कि स्वर आता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये उ है, ये तो बे में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, बे में, और फिर स्वर का स्वर ही रहेगा, यानी स्वर है जो उसके साथ में लग जाएगा, अगर उ की मात्रा है तो वो बन जाएगा इस तरीके से, यानी स्वर का यहाँ पर उसकी मात्रा है वो इस तरीके से नहीं लगेगी, और इसमें जो वे बनेगा वो वे भी एक आधा वे बनेगा, यानी कि वे भी पूरा बने बनेगा, उसके बाद में स्वर जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा स्वर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अनु प्लस आय, इसको हमें लिखना है। तो अनु में क्या आ रहा है, छोटा उ आ रहा है और प्लस ए आ रहा है, यानी कि उ और उ के बाद में स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब स्वर संधि है। दूसरा, ये यहाँ पर उ किस में बदलता है, उ यहाँ पर य के अंदर बदल जाएगा, व के अंदर, किसके अंदर बदलेगा, व के अंदर, तो ये बन जाएगा व, और व के मात्रा एक ही लगेगी तो व ही रहेगा, तो ये बन जाएगा अनु प्लस ए, तो ये बन जाएगा अनव, तो वैसे हम पहचान जाएंगे कि ये ऋण संधि है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर सु आ की मात्रा है, मतलब प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये उ का क्या हो जाएगा, वह, और आ की मात्रा है तो ये इसमें लग जाएगी वा, तो ये हो जाएगा वाह। संधि कर देंगे तो गलत हो जाएगा, स्वागतम हमने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उ की मात्रा है यहाँ से हट गई है, क्योंकि उ की मात्रा ये बदल रही है यहाँ पर, फिर गा वा गतम स्वागतम, इस तरीके से बन जाएगा। एक बड़े उ की मात्रा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वध, तो ये हो जाएगा वधु प्लस आ, बदु के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये कैसे बन जाएगा, उ का तो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये उ की माता तो यहाँ से हटी गई है, तो ये हो जाएगा
जाएगा आदत है, उसे गम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वद्वागम। तो इस तरीके से क्या बनेगी यहाँ पर, ये संधि बन जाएगी। अब एक हम देखते हैं कि इसका कोई संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में वर्ड दे रखा है गुरु वा देश, यानी गुरु का आदेश, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं जैसे वा आ रहा है, इसका मतलब बड़ा उ आएगा, तो ये आ जाएगा गुरु, तो बड़ा आ गया गुरु, प्लस उ, और उ में से आधा रह जाएगा तो गुरुवा, और फिर देश, क्योंकि तो देश है तो इसमें हमें क्या करना है, देश नहीं करेंगे, गुरु प्लस देश नहीं करेंगे, आदेश करेंगे, क्योंकि तो वा आ रहा है, इसके मतलब आ की मात्रा आएगी, तो वा के लिए हो जाएगा ये उ का तो बन जाएगा वह, और आ की मात्रा यहाँ से लग जाएगी तो गुरुवा, तो ये इसलिए गुरुवा आ रहा है, आधा लग जाएगा तो ये हो जाएगा गुरुवार देश, इसलिए यहाँ पर गुरु प्लस आदेश ये संधि विच्छेद होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, यानी कि ऋषि वाला जो नियम है उसकी बात करते हैं। ऋषि वाला नियम यहाँ पर क्या कहता है? ऋषि वाले नियम में यहाँ पर ऋषि का रय हो जाता है, जैसे कि ये हमारा ऋषि है, या फिर इस तरीके से ऋषि आ सकता है, या तो इस तरीके से फिर इस तरीके से। नियम कौन सा हमारा? तीसरा नियम, यण संधि का तीसरा नियम चल रहा है। तो ये ऋषि का तो क्या हो जाता है? रय हो जाता है, तो ऋषि का तो हो जाएगा यहाँ पर रय, और प्लस स्वर आ जाएगा, यानी कि जो भी स्वर है वो आ जाएगा। जैसे हम बात करें पहला पहला प्लस ए, ये है। अब इसमें क्या है, स्वर आ रहा है, त्र का रय बनाएंगे हम यहाँ पर, तो रय भी आधा बनेगा, तो आधा किस तरीके से, बनेगा यहाँ भी रहेगा पित्रे, तो ये त्रे बन जाएगा, तो ये बन गया पित्रे। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, हम जैसे मात्र, तो ये मात्र प्लस आदेश, इसमें हम देखें इसमें क्या आ रहा है, त्रय आ रहा है, यानी यहाँ पर बन रहा है त्रय प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब आ आना चाहिए, त्रय का तो त्रय बन जाएगा यानी रय बन जाएगा, और आ की मात्रा यानी रा आना चाहिए, तो आ रा आना चाहिए यहाँ पर, तो रा कैसे आएगा, मा का बन जाएगा, तय का बन जाएगा क्या, त्रा, तो ये बन जाएगा मात्रा, तो ये हो गया ता का तो आधा तय रह गया रा, तो ये मात्रा, फिर देश बन जाएगा, तो मात्रा देश इस तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ पर त्रय है, त्रय को ऋषि वाला है प्लस आ मिल रहा है, तो ये त्रा हो गया, तो मात्रा देश। अगर ए हो गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये त्रय है इसमें रे बन रहा है, तो ये बन गया रे, यानी कि त्रे, त्रे में रे बोल रहा है यहाँ पर त्रे, और त्रे में ऑटोमेटिक, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, मात्रा देश की जगह हम दे देते हैं मात्राज्ञा, इसका अगर हमें संधि विच्छेद करना है, मात्राज्ञा, तो मात्रा का कैसे करेंगे संधि विच्छेद, अगर मात्रा का संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर करेंगे जैसे मात्र, तो ये मात्र हो गया प्लस अज्ञा, क्योंकि आ जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, अज्ञा नहीं आएगा, आज्ञा ही आएगा, आ और गया, क्योंकि यहाँ पर क्या जो रहा, त्रा हो रहा है, त्रा हो रहा है, इसका मतलब जो मात्रा लगती है वही आएगी, मात्र प्लस अज्ञा कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखें मात्र में क्या जोड़ रहा है, त्रय और प्लस क्या आ, तो ये क्या बना रहा है, त्रा बना रहा है, तो मात्रा अज्ञा हो गया।
इस तरीके से हमें इसका रे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना। उसके बाद में चौथा नियम आता है यहाँ पर ऋण संधि का, वो आता है ल वाला, तो यहाँ पर होगा ल, ल प्लस स्वर, तो स्वर को हम बोल सकते हैं आज, यानी कि ल प्लस एच या फिर स्वर। अब ल का क्या बन जाता है यहाँ पर, ल बन जाता है, तो ल का ल बन जाएगा और फिर जो भी संधि है वो आ जाएगी हमारी, यानी कि स्वर का स्वर आ जाएगा, स्वर साथ में आ जाएगा, स्वर तो स्वर आ जाएगा यहाँ पर। इसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, इसे ल प्लस आकृति, इसका ल प्लस आकृति को, ल का ल है, ल में हमने क्या देखा है यहाँ पर ल प्लस आ, तो ये क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ला, क्योंकि ल का तो ल हो जाता है और जहाँ यहाँ पर जो मात्रा है वो यहाँ पर आ जाती है तो ला बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ला प्रति, ला प्रति। जैसे हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर ल प्लस कार, इसका हमें करना है, तो ल है यहाँ पर प्लस ये कार है, तो कार नहीं हो सकता, ल कार इसमें गलत हो जाएगा, तो लकार हमारे लगाना है तो यहाँ पर आकार लगना होगा, तो ये क्या होगा, आकार होगा, ल प्लस कार है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ल प्लस आकार। अब इस आकार से हम आ ले लेते हैं, तो आ से क्या बन जाएगा, ल प्लस आ क्या बन जाएगा, ला, ला बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाकार होगा ये, लाकार, लेकिन हम कई बार क्या कर देते हैं, ल प्लस आकार आता है लकार कर देते हैं और एक गलत हो जाता है, तो ये बनेगा लाकार। जैसे हमें एक एग्जांपल को संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, लादेश, ला देश, तो लादेश ला बन रहा है, इसका मतलब हमारा ल वाला रूल यहाँ पर काम करेगा, तो ये क्या बनेगा, ल प्लस ला, ला बन रहा है इसका मतलब आ की मात्रा आएगी, तो ये आ जाएगा ल प्लस आदेश। अब यहाँ पर ये ल है और प्लस आ है, ल का तो ल हो जाता है और आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो लादेश बन जाएगा, तो इस तरीके से ल प्लस आदेश हो जाएगा, लादेश। अब ये हमारी यण संधि पूरी होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि की, वो है अयादि संधि। दूसरी संधि कौन सी है, अयादि संधि। अब अयादि नहीं है, ये अयादि है, अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होगा ये हम देखें, इसमें एक फार्मूला आता है यानी एक सूत्र आता है, इसको बोलते हैं एचओ अवाचव, एचओ अवाय, तो ये सूत्र होगा यहाँ पर एचओ ए वायाव, एचो आया बोलते हैं इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एचो आया को बोल सकते हैं। अब एचो आया में हम कह सकते हैं कि अच जो होता है, अच का यहाँ पर मतलब होता है स्वर होता है, लेकिन स्वर कैसा होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी अगर ई आ रहा है तो ई के साथ में ई स्वर नहीं आ सकता, वो क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए, ई के साथ में ए आ यू कुछ भी आ सकता है लेकिन भिन्न स्वर आना चाहिए, वो कहलाता है हमारा अच, यानी कि अच जो स्वर होगा वही हमारा है लेकिन भिन्न स्वर होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, पहला सूत्र जो बनेगा अयादि संधि के अंदर वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर कोई भी ए ओ के है, ए के चार वर्ण होते हैं, ए ओ औ, और इनके बाद में क्या आ जाता है, मान लीजिए
कोई भी असमान स्वर आ जाता है, यानी कि अच आ जाता है असमान स्वर, इनके अलावा कोई भी अगर स्वर आ जाता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको असमान स्वर। इनके बाद में अगर असमान स्वर आ जाता है, ए तो बदल जाता है ए में, इसलिए इसको बोला गया है एच ओ। एच ओ किसमें बदल रहा है? एबाब, एबाब में बदल रहा है, यानी ए में बदल जाएगा। फिर ए के बाद में क्या आ रहा है? वाव आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें हमें ये सीक्वेंस हमें चेंज करना होगा एच ओ एबाब के सूत्र के लिए, यानी यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये हम कर देते हैं ए ओ, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस को चेंज नहीं करते, हो गया। और ये बड़ी ए है, इसका क्या होगा? यानी ए का हम ए कर देंगे, बड़े ए का आय कर देंगे, ओ का हम अब कर देंगे, और ओ का हम आव कर देते हैं। अब इनके आधार पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इन्हीं के आधार पर चारों को समझेंगे। पहला नियम हम देखते हैं, पहला नियम में क्या है, ए है, ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं असमान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? असमान स्वर, तो ये ए का क्या बन जाएगा? ए का बन जाता है ए, और फिर जो भी स्वर है वो समान को समान स्वर को, जैसे हम इसको लिखते हैं क्या होगा इसका, एक हमने एग्जांपल लिया से ने प्लस अनम। अब इसको हम तोड़ते हैं, ने है, इसमें कौन सी बड़ी आ रही है? ए आ रही है, यहाँ पर ये वाली ए आ रही है, क्योंकि दो मात्रा होगी यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी ये वाली मात्रा आ रही है। इसका मतलब ये वाली मात्रा किसमें बदलती है? ए में बदलती है, तो ये बदल जाएगी ए, और ए के अंदर ही ये वाला जो ए है वो छिपा हुआ है, क्योंकि ये को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आधा ये प्लस ए, इस तरीके से। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ने है तो ने है, तो ने में से ए निकाल दिया, तो ये बच गया ने, और ने में अगर हमें ए जोड़ना है, जैसे कि ने प्लस ए, क्योंकि ने क्या बन किसमें बदल रहा है? ए में बदल रहा है, तो ने में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये ने बन रहा है, तो ने बनेगा ये, तो ने ये, और फिर नम, तो ये हो जाएगा ने नम, तो इस तरीके से चेंज होगा, यानी ए है वो ए में बदल जाएगा, और ए है वो ने प्लस ए बन के ने बनता है, तो ये बन जाएगा ने नम। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हरे प्लस ए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ये ए आ रहा है। अब ए में क्या आ रहा है? ए में यहाँ पर ये सामने भी ए स्वर आ रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे? ये ए है, ये कैसे बदल जाएगा? अब ए है यहाँ पर, ये बदल जाएगा ये वाला ए है, इसके साथ बात करें तो ये ए है वो ए में बदलता है, लेकिन ए में जब बदलता है तो इसमें ये वाली ए की मात्रा आ जाएगी साथ में, तो ये हो जाएगा ये वाली ये,
यानी कि ये वाला ये बन जाएगा। अब हर हर में से हरे में से क्या है, एक ही मात्रा निकाल लिया तो ये रह जाएगा हर, तो यानी हर। तो रे में ए छिपा हुआ है पहले से ही, या में रे में रे प्लस ए छिपा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रे का रे रह जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हर रे ये हरे, यानी ये वाला ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हरे बन जाएगा, हरे प्लस ए हरे बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्या है सैनम, इसका हमें संधि विच्छेद करना है, सैनम। अब से छिपा हुआ है, ए कैसे बनेगा, ए से बनेगा, तो ये हो जाएगा से प्लस, इस ए को हम पूरा तोड़ देते हैं, यानी पहले ए को पूरा छोड़ देंगे और ये आ जाएगा अनम, तो से प्लस अनम, तो ये बन जाएगा सेनम। अब इसका दूसरा नियम हम देखते हैं, दूसरा नियम में क्या है, ओ वाला नियम है इसका, यानी अयादि संधि का ओ का क्या होता है। तो जैसे हम देखें अयादि संधि में है ओ के बाद में कोई भी अगर असमान स्वर आ रहा है, तो ये दूसरा नियम है, ओ के बाद में असमान स्वर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, अच आ रहा है, तो क्या होगा, ओ का है यहाँ पर अब हो जाता है, क्या हो जाता है अब, और अब प्लस जो भी स्वर होगा वो आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी स्वर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं पो प्लस, इसको हम संधि को जोड़कर लिखना है, पो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ प्लस ए समान स्वर है ओ के बाद में, तो ओ का तो क्या बन गया, अब बन गया, तो ये बन जाएगा अब। अब यहाँ पर वे के अंदर भी ए छिपा हुआ है और इधर पे के अंदर भी ए छिपा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पे फिर वे, तो ये इसमें पे में क्या बना है, छिपा हुआ है, यहाँ पर अब छिपा हुआ है, पब, यानी प्ले प्लस अब पब हो गया, और ने आ गया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा पवन, तो पो प्लस एन क्या बन गया, पवन बन गया। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको तोड़ के देख लेते हैं, जैसे भव नम, इसको हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, अब आ रहा है यहाँ पर छिपा हुआ है भव, यानी अब यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहीं से तोड़ेंगे हम इसको, जैसे कि वो, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है वे, यानी कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि क्या आनी चाहिए, ए की मात्रा आनी चाहिए, तो ये आ जाएगी वो प्लस अनम। अब इसमें क्या है, वो में ओ छिपा हुआ है और ए छिपा हुआ है, ये वाला है, तो वो का तो बन गया वे, और वे और वे भव में ए की मात्रा छिपी छिपी हुई है, तो ये हो गया भवनम, यानी वो प्लस अनम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अब तीसरा रूल देखते हैं हम, ओ के बाद में क्या है, बड़ी ए की मात्रा है, यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे नियम में हमें पार्ट में दे रखा है ए की मात्रा, ए प्लस अच, यानी ए प्लस स्वर आ सकता है कोई भी ऐसा मान स्वर, स्वर को ही हम बोलते हैं अच, तो ये ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो ये यहाँ पर ए का हो जाएगा आय, और प्लस ये अच है। और जैसे हम बात करें, एक हमारे पास में एग्जाम्पल दे रखा है, ए की मात्रा है, इसका मतलब डबल ए हो गया, गे, तो गे प्लस अक, ये है, तो गे के में क्या छिपा हुआ है, ए की मात्रा छिपी हुई है, यानी कि ये वाली मात्रा छिपी हुई है ए। अब ए की मात्रा है और ए है, तो ये ए की मात्रा किस में बदलती है, आय में बदलती है, तो ये तो बन जाएगी आय, और आ ये में पहले से ए छिपा हुआ है, तो इसको हम हटा देते हैं हम यहाँ पर, तो यक तो यहाँ पर इधर से आ जाएगा। अब ये क्या है, गय, तो गय में आय है, तो ये क्या हो जाएगा, गायक, तो ये गायक का संधि विच्छेद हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं, जैसे कि सायक का हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, सायक में आय यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहीं से हम तोड़ेंगे। अब सायक को यहाँ पर यहाँ से तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, ये वाला से हमें नहीं लिखना है, दो मात्रा वाला से लिखना है, तो से प्लस, ये क्या है, आय तो यहाँ से कट गया है, यानी आय यहाँ पर छिपा हुआ है, तो एंड में क्या बचा है, सिर्फ अक बचा है, तो ये आ जाएगा से प्लस अक, तो ये हो जाएगा सायक।
अब हम चौथा नियम देखते हैं आदि संधि का। चौथा नियम में क्या है, औ आ जाता है, औ प्लस स्वर। तो औ का अकॉर्डिंग बात करें हम यहाँ पर, जैसे औ औ प्लस स्वर या अज बोल सकते हैं इसको, स्वर को। तो यहाँ पर क्या होगा, औ का और प्लस जो भी स्वर है वो स्वर का स्वर ही रहेगा, या फिर अच है तो अच का अच ही रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल क्या रखा है, वो प्लस उक है, वो प्लस उक है। अगर वो प्लस अक होगा तो बाबक बन जाएगा, तो वो प्लस उक है। अब उक में हम देखें यहाँ पर, जैसे वो है, इसमें क्या छिपा हुआ है, औ छिपा हुआ है। औ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। अब ये आव जो बना है इसमें ये उ की मात्रा यहाँ पर है, तो ये उ की मात्रा इससे वो बह के लग जाएगी, तो आवो आवोक हो जाएगा। तो ये भा है, भा के संग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भा, तो भा के संग आ गया है। और वो यही वो है, ये इस वो बह के संग आ गया, तो भावुक, तो ये हो गया वो प्लस उक भावुक। इसी तरीके से हम एक संधि विच्छेद कर लेते हैं, जैसे कि पावक का संधि विच्छेद कर लेते हैं, पावक। तो पावक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, आव यहाँ पर छिपा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा पौ, पौ प्लस आव यहाँ पर छिपा हुआ है तो ये हो गया पाव, और फिर अक आ जाएगा तो पौ प्लस अक पावक। तो ये यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी इसकी। अब तीसरी संधि हम देखते हैं, वो है गुण संधि। तो गुण संधि हम देखेंगे यहाँ पर, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण। आद गुण आद, अब इस आद गुण सूत्र को कैसे समझेंगे हम। आद गुण सूत्र का मतलब है कि आ के बाद में, यानी इसको हम तोड़ लेते हैं आद गुण में, आ के बाद में क्या आना चाहिए, या तो ए या आ के बाद में आना चाहिए, कोई भी कुछ आ रहा है तो ए या आ के बाद में अगर क्या आ रहा है, कोई भी आ रहा है, जैसे ई आ रहा है, या फिर ऋषि या ल आ रहा है, या फिर ल आ रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से बदलेगा। यानी कि अगर ए के बाद में कोई भी ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, अगर ए के बाद में ये वाला ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए में बदल जाएगा। अगर ए के बाद में ऊ आएगा तो ये कैश में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होगा, यानी ए के बाद में ई आएगा तो ए में बदल जाएगा, और आ के बाद में भी ई आएगा तो भी ए में बदल जाएगा। अगर ए के बाद में बड़ी ई आएगा तो भी ए में बदलेगा, और छोटी ई आएगा तो भी ए में बदलेगा। अगर ए के बाद में ऊ आ जाता है तो ओ में बदल जाएगा, चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, ओ में बदलने वाला है। और अगर ए के बाद में ऋषि आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, ऋषि वाला रह, यानी ये वाला रह आ जाता है, तो ये ए के बाद में आ जाता है तो ये बन जाएगा अर में, किसमें बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा, चाहे वो कोई सा भी रि आए। और अगर ए के बाद में ये ल आ जाता है तो ल के आने के बाद में ये क्या उसमें बदल जाएगा, अल में बदल जाएगा, अल। तो इनके हम उदाहरण देख लेते हैं, कुछ कुछ उदाहरण हम इसके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कि ए के बाद में ई आ गया है, क्या आ गया है, ए के बाद में आ गया है ई, तो ए के बाद में ई आने की वजह से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, उप प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, उप यानी पे में क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, और प्लस ई यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा
एक की मात्रा किसमें लग जाएगी, पे में लग जाएगी, तो ये बन जाएगा उपेंद्र, तो ये उपेंद्र बन गया है, यानी ए प्लस ई मिल करके क्या बन गया है, ए बन गया है, और ये एक ही मात्रा किसमें लगाई है, पे में लग गई है, तो उपेंद्र बन गया है। इसी तरीके से हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नैति का एग्जाम्पल लेते हैं, नैति का हमें संधि विच्छेद करना है, तो नैति का संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं। अब नैति में हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाली ए है, यहाँ से हमें तोड़ना है, तो ये वाली ए से हम कैसे तोड़ें, न है क्या है, तो न प्लस ए के बाद में अगर ई आ जाता है, ए के बाद में ई आता है तो ए बनता है, तो न प्लस इति, तो ये हो जाएगा नैति, यानी ए प्लस ई मिल करके क्या बना रहे हैं, ए मिला रहे हैं, तो ये ए किस में लग जाएगा, एन में, नै में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा नै, और ये ई यहाँ पर हट जाएगा तो ये बन जाएगा नैति, तो इस तरीके से हमारा ये रूल हो जाएगा। अब मान लीजिए ए और ई के बाद की जगह ए आ रहा है, इसी तरीके से आ के बाद में ई आ रहा है, क्या आ रहा है, आ के बाद में ई आता है, तब हम क्या करेंगे, यानी ये छोटा ई है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी छोटा ई है, आ के बाद में ई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि महा प्लस इंद्र, तो यहाँ पर आ के बाद में ई आएगा तो भी ई बनेगा, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, आ प्लस ये वाला क्या है, ई, तो ये क्या बनेगा, ए, तो ये ए कहाँ पर लगेगा, है में लगेगा, तो ये बनेगा महेंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि तथ्य इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो तथ्य एक ही मात्रा यहाँ पर लग रही है तो यहीं से हम तोड़ेंगे, तो तथ्य को हम बोल सकते हैं तथा प्लस इति, तो यहाँ पर आ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ प्लस ई मिलकर के ए बना रहे हैं, और ए की मात्रा किसमें लग रही है, थे में लग रही है, तो तथेति हो जाएगा, तथा प्लति हो गया। तीसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, जैसे छोटा ई के साथ में देखा है हमने ए और आ को, अब बड़ी ई के साथ में देखते हैं ए और आ को, जैसे कि ए के साथ में हम देखेंगे बड़ी ई को, ये तीसरा नियम है इसका, ए के साथ में अगर बड़ी ई को देखते हैं, जैसे कि गण प्लस ईस, अब यहाँ पर गण है, ण में ए आ रहा है और प्लस यहाँ पर ई आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए में लगेगी, तो ये बन जाएगा गणेश, इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं दिनेश का, जैसे दिनेश का हमें संधि विच्छेद करना है, तो दिनेश का कैसे संधि विच्छेद करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है एक ही मात्रा यहाँ पर लग रही है नए पे, तो यहीं से हम तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा दिन, तो दिन में ए छिपा हुआ है, दिन प्लस ईस, दिन प्लस ईस मिलकर के क्या बनाएंगे, दिनेश बनाएंगे, क्योंकि ई ए प्लस ई मिलकर के क्या बनाएंगे, ए, और ए की मात्रा किसमें लगेगी, एन में, तो ये बन जाएगा दिनेश। अब इसी में हम आ वाला सूत्र देख लेते हैं, कि आ के बाद में अगर बड़ी ई आता है तो क्या बनता है, तब भी बनेगा, उसे ए प्लस बड़ी आ रहा है तो भी ए बन रहा है, आ प्लस बड़ी आता है तो भी ए बनता है, जैसे कि अगर हम बात करें इस रमा प्लस इस, तो आ के बाद में क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, आ प्लस ई, तो क्या बनेगा, ये ए बनेगा, और ए की मात्रा किसमें लगेगा, रमे, और ये ई भी यहाँ से हट जाएगा तो ये बन जाएगा रमेश। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसको तोड़ने का एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ महेश का एग्जांपल देखें, महेश का संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ एक ही मात्रा लग रही है हे पर, तो यहीं से हम इसको तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पर महा प्लस इज, तो इसमें यहाँ पर हा में क्या हो रहा है, आ है, और ये ई है, तो ये क्या बन रहा है, ए बना रहा है, और इस। अब बात करते हैं कि ए के बाद में मान लो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ए के बाद में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो
तो यहाँ पर हम चारों रूलों को एक साथ देखेंगे, जैसे कि ए के बाद में अगर उ आ रहा है, छोटा उ आ रहा है, बड़ा उ आ रहा है, वो हम सब देखेंगे एक साथ। यहाँ पर ए के बाद में सिर्फ उ आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर ए के बाद में उ आ गया तो ओ बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, प्लस उदय, तो ये छोटा हुआ है। अब यहाँ पर ये क्या है, सूर्य है, तो इसमें मतलब ए आ रहा है, ए प्लस उ आ रहा है ये छोटा, तो ए प्लस उ क्या बनाना चाहिए, ओ बनाना चाहिए। अब ये ओ की मात्रा किसमें लगेगी, ये में लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं संदीप चित करने के लिए, जैसे कि पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर ओ की मात्रा लग रही है, पुरुषो यानी सो, ओ के अंदर ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा लगती है पुरुषों में, तो यहीं से हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। पुरुष प्लस ये ओ की मात्रा किसका, उत्तम कौन सा, छोटा हुआ। अब इसी में हम दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है इसके अंदर, कि मान लीजिए आ के बाद में हुआ रहा है, यहाँ पर तो ए के बाद में हुआ है तो बना है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आ के बाद में उड़ाता है, आ के बाद में अगर छोटा हुआ आता है तो भी ओ बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे महा प्लस उदय, तो इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, महा के अंदर आ रहा है और उदय में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो महा आ रहा है, ये उ आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और ये ओ की मात्रा किसमें लगेगी, हाय में लगेगी, तो ये बन जाएगा महोदय, क्या बनेगा, महोदय। इसी का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि परीक्षा उत्सव, यानी परीक्षो उत्सव है, परीक्षो उत्सव है। तो इसको हम देखें परीक्षा उत्सव को कैसे करेंगे। परीक्षा उत्सव में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा परीक्षा, यानी यहाँ से तोड़ना है हमें ओ की मात्रा से, तो ये बनेगा परीक्षा प्लस आ की मात्रा है, आ प्लस उ क्या बनता है, ओ बनता है, तो परीक्षा प्लस उत्सव होगा ये, परीक्षा प्लस उत्सव, तो ये बनेगा परीक्षोत्सव। तो आ प्लस उ है, ओ बने में लग जाएगी, तो परीक्षोत्सव बन जाएगा ये। अब इसी में हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि बड़े उ की मात्रा अगर लग रही है कहीं पर तो वो बात कर लेते हैं। जैसे ए प्लस बड़ा उ मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। जैसे एक प्लस ऊन, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, तो इसमें ए है कैम में और इसमें ऊ है बड़ा ऊ, तो ये क्या बनाएंगे, ओ, और ओ की मात्रा किसमें लगेगी, कैम में लगेगी, तो ये बन जाएगा एकोन, क्या बनेगा, ये एकोन बन जाएगा। इसी तरीके से हम एक इसका कर लेते हैं संधि विच्छेद करने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि गगनोधर्म, गगनोधर्म, गगनोधर्म हम बात करें कि ओ यहाँ पर आ रहा है तो यहीं से हम इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गगन, गगन, तो न में एच, छिपा हुआ है, डा हुआ आएगा उधर्व, तो ये आ जाएगा उधर्व, उधर्व।
तो ये बड़ा ओ मिलकर के ए प्लस बड़ा ओ मिलकर के क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। अब चौथा नियम यहीं पर आ जाता है इसी के अंदर कि मान लीजिए आ के बाद में बड़ा ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, आ के बाद में बड़ा ओ, आ प्लस बड़ा ओ, तो ये भी ओ बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं महा प्लस वरुणम, महा प्लस वरुणम, तो ये क्या बनेगा, आ है यहाँ पर आ महा में और ये उ है, तो आ प्लस उ क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। ओ की मात्रा के अवरणम बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे एक संधि विच्छेद कर लेके देख लेते हैं, माययोजस्य, माययो माययो अर्जस, तो माया और अर्जस्व है किस तरीके से संधि विच्छेद हो सकती है इसकी। सबसे पहले देखेंगे ओ की मात्रा यहाँ पर आई है, तो यहीं से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये माय या आ जाएगा, आ या यानी आ की मात्रा इसमें छिपी हुई है या में, प्लस ये क्या है जस्वे, तो ये बड़ा हुआ जाए, उड़ जाए, ओ की मात्रा ये के साथ में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मायो जस्वे। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर किसकी, ए प्लस रे की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, ए प्लस त्रय की बात करते हैं, ये त्रय आ रहा है तो ये क्या बनाता है, अर बनाता है, क्या बनाएगा ये, अर, ये पांचवा नियम हो जाएगा इसी के अंदर, ए प्लस है वो अर बनाता है, तो अर में क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कृष्णा प्लस रिद्धि, तो ये क्या है, रिद्धि किसे बनेगा, ये कृष्ण प्लस रिद्धि हो जाएगा, कृष्ण रिद्धि, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा, और ऋण के आगे आना चाहिए रे, क्योंकि ये रे है यहाँ पर ऋण के आगे आ गया, तो ये कृष्ण रिद्धि कैसे बनेगा, कृष्णा और यहाँ पर दी आ जाएगा और दी में रे लग जाएगा, तो ये कृष्ण रिद्धि हो जाएगा। जैसे हम एक और एग्जाम्पल दे देते, यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर ये हमें जर यानी अर कहते हैं इसको, राज प्लस ऋषि, तो राज प्लस ऋषि हो जाएगा। अब ये जैम एच हुआ है और ये अर की मात्रा जैम लग जाएगी, तो राज ऋषि हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा राज प्लस ऋषि, राज ऋषि। अब हम इसी को आ के साथ में देख लेते हैं, जैसे ए के साथ में देखा है वैसे ही हम इसको आ के साथ में देखते हैं। अगर हम इसको आ के साथ में देखेंगे तो क्या होगा, आ प्लस ऋषि, ऋषि जैसे अर कैसे, तो महा प्लस ऋषि क्या बनाएगा, महर्षि बनाएगा, क्योंकि इसमें आ है और इसी तरीके से हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक संधि विच्छेद कर लेते हैं, जैसे ब्रह्मा ऋषि की बात करते हैं,
ब्रह्मार्षि, इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो इसमें क्या है, हा में क्या रहा, आर हो रहा है और ये ऋषि में र हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, अर बनेगा, तो अर किसके साथ में आएगा, है के साथ में, तो ब्रह्मार्षि हो जाएगा। अब एक और नियम बचा है इसमें अल का, वो हम देखते हैं, यानी ए और सा के आके साथ में अल आ सकता है, ले आ सकता है, जैसे ए और आ के साथ में क्या आ गया, ल आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये अल बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम देखें कि क्या है, मम प्लस लकार, इसको हम बनाते हैं, तो मम में क्या है, ए है, प्लस लकार में ल है, दोनों क्या मिलकर बनाएंगे, अल बनाएंगे, और ये अल किस में आना चाहिए, इस मे में आना चाहिए, अंत वाले मे में अल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ममल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ममल, मा मा, और ये ल है, तो ल भी आधा आएगा क्योंकि यहाँ पर भी ल लगा हुआ है, लकार है, तो इसका मतलब ये अल में बदल गया है, अल भी आधा, तो ये हो गया ममल, और ल भी आधा हो जाएगा और कार आ जाएगा, तो ममल कार हो जाएगा, इस तरीके से गलत लिख दिया हमने, ममल कार कर दिया तो गलत हो जाएगा, आधा ले आएगा यहाँ पर ममल कार, तो ओनली आधा ले आएगा, रे आ रहा था यहाँ पर अर में, उसी तरीके से आधा ले आएगा यहाँ पर। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर संधि विच्छेद करके, एग्जाम्पल है तवल दंत, तवल दंत, इसकी संधि विच्छेद करनी है, तो इसकी संधि विच्छेद कैसे करते हैं, यहाँ पर आधा ले आ रहा है यानी यहीं से यहाँ पर टूटने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, तब प्लस ले दंत है, तो ले दंत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ले दंत, तो ये हो जाएगा तवल दंत, तो इस तरीके से है, ये आदि संधि है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बद्धि संधि के बारे में, बद्धि संधि का हम देखते हैं यहाँ पर बद्धि संधि का क्या प्रोसेस है, चौथे नंबर की है संधि, बद्धि संधि, अब वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संधि का सूत्र होगा, वृद्धि रेचि। अब वृद्धि रेचि में क्या होगा, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ए और आ वर्ण के बाद में, किसके बाद में, ए और या फिर आ वर्ण के बाद में, अगर हमारे पास में क्या आता है, ए आता है, ओ आता है, या फिर ये वाला ए आता है या फिर औ आता है, तो हम इनके स्थान पर क्या कर देते हैं, ए और आ के बाद में अगर ए आएगा तो हम इसका कर देते हैं आ, यानी ये वाला ही हो जाएगा आ, ए के बाद में ए आएगा तो आ हो जाएगा, और अगर ए और आ के बाद में इनमें से कोई आता है ये वाला, तो ये इनका हुआ, जैसे ए का तो आ हो जाता है, और ये वाले ए आते हैं तो बड़ी ए का मात्रा का साथ में आता है, तो ये हो जाएगा ए, और अगर ओ आते हैं तो ये हो जाता है ओ, अगर इनमें से कोई आता है ओ और ओ में से तो ओ हो जाता है, यानी ए आएगा तो ए हो जाएगा, यानी बड़ा ए हो जाएगा, यहाँ पर आ नहीं होगा ये वाला, करें ए ओ इनमें से यहाँ पर होने वाला है। अब संधि करके हम देखें, अब इसमें मान लीजिए
ऋषि आ जाता है, ए ओ की जगह भी क्या सकता है, ऋषि भी आ सकता, तो क्या हो जाएगा, ए और आ के बाद में अगर ऋषि आ जाता है तो ये यहाँ पर, और पहले आर अर हो रहा था, अब हो जाएगा यहाँ पर आर। और अगर मान लीजिए ये ऋषि तक ही काम करेगा, यहाँ पर आदि संधि है उसमें, इसे पहला इसका रूल देख लेते हैं, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि मतलब कि उसमें वृद्धि कर देते हैं, जैसे जो भी हमारा होगा वर्ण उसके अंदर वृद्धि कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में ए आ के बाद में क्या आ गया है, ए आ गया है, तो ये बन जाएगा ए आ के बाद में ए आएगा तो इसमें एक मात्रा लग जाएगी, जैसे जन प्लस एकता। अब इसमें जन में क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है ने में, और यहाँ पर ये ए है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ए बनाते हैं, ये वाली ए बनाते हैं। अब ए तो यहाँ पहले से है ही है, और ए की मात्रा किसमें आएगी, ने में आएगी, और ए ए की मात्रा एक ये है, तो ये दो मात्रा लग जाएंगी यहाँ पर, तो दो मात्रा कैसे लगेगी, जय ने, ने में दो मात्रा लग जाएगी, तो जन एकता हो जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से बनेगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक, एक प्लस एक, तो इसमें के में ए छिपा हुआ है, तो ए प्लस ए मिलकर के क्या बनाते हैं, ए जुड़ेगी, और ये वाली ए की मात्रा भी क्या जुड़ेगी, तो ये दो मात्रा हो जाएंगी, तो एक एक हो जाता है। अब इसी को हम दूसरे रूल से देख लेते हैं, ये तो हमारा पहला रूल हो गया आदि संधि का। आदि का दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ए और आ के बाद में ए नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या होगा, अगर ओ आ रहा है तो ये औ हो जाएगा, यानी दो मात्रा लग जाएंगे यहाँ पर औ। जैसे वन प्लस वन प्लस औषधि, औषधि। अब इसमें हम क्या, प्लस औषधि में क्या छुपा हुआ है, ओ छुपा हुआ है, तो ए और ओ मिलकर के क्या बना रहा है, औ बनाएगा, और औ की मात्रा किसके साथ में लगेगी, इस नए के साथ में लगेगी, और ये वाला ओ है ये यहाँ पर सड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन औषधि बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वनोषधि, तो ये बन जाएगा वनोषधि। अब नेक्स्ट टाइम देखें यहाँ पर कि आ प्लस ए की बात करें हम, ऐसे इसी में हमें तीसरा रूल दिया गया है कि ए आ के बाद में क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो क्या होगा, यानी कि ये वाला ए आ जाता है, तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर दो मात्रा वाला ए ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें, प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, तो इसमें हम देखें वे में क्या छुपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, ये वाली मात्रा किसमें लगेगी, वे में लगेगी, तो ये हो जाएगा देवेश्वरियम, यानी बड़े ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा दे में, नहीं लगेगी यहाँ पर, दे में तो ए की मात्रा लगेगी, दे वे में लगेगी मात्रा, तो ये हो जाएगा देवेश्वरियम, इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए देवेश्वरियम की जो क्या आ सकता है, कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि महे आ रहा है, तो महे में महा आएगा यहाँ पर, यानी आ प्लस ए भी आई होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, महा, क्योंकि तोड़ेंगे तो हम यहीं से, यहाँ पर ए की मात्रा लगे यहीं से, तो महा प्लस ऐश्वर्यम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा महा प्लस ऐश्वर्यम। अब बात करते हैं
मान लीजिए ए आ के बाद में औ ही आ जाता है, तो तरुण क्या कहता है कि मान लो ए आ के बाद में क्या आ जाता है, औरत। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, औषधि में क्या आ सकता है, ये वाली औषधि आएगी, तो इसका क्या बनेगा, महा नहीं आ छिपा हुआ है इसमें, औषधि में ये औ छिपा हुआ है, तो आ और औ मिलकर के क्या बनाएगा, आ और औ मिलकर के औ बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी यहाँ पर हम बनाए इसको तो क्या बनेगा, आ प्लस है मिलेगी, तो ये बनेगा महोषधि, इस तरीके से मिल जाएगा महोषधि। अब बात करते हैं कि ए आ के बाद में क्या आ जाता है, रे आ जाता है, यानी रिडीसी वाला रे आ जाता है, तो क्या होगा, आ के बाद में आ जाता है क्या, रिसी, तो ऋषि आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला ऋषि आ जाता है या ये वाला ऋषि आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, अर नहीं बनेगा, आर बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है, आर ही बनेगा इसमें हमेशा। जैसे प्लस ऋण, ये है, अब 10 में क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, ऋण में यहाँ पर री है, तो ये क्या बनेगा, आर बनेगा, तो आर में मतलब इस समय आके मारे दशा रण, तो रे यहाँ पर नहीं ले सकते, तो रणे के आगे रे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा दशा रण, तो इस तरीके से संधि हो जाएगी यहाँ पर दशा रण की, तो ये हमारी होगी क्या, आदि संधि। अब हमें देखना है दीर्घ संधि, यानी सवर्ण दीर्घ है वो स्वर संधि का ही प्रकार है, संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि, यानी कि जो छोटा स्वर है वो बड़ा हो जाता है, वो कहलाती है हमारी दीर्घ संधि। स्वर संधि के प्रकार में ही आ जाती है, कौन सी आएगी, दीर्घ संधि। इसको हम बोलते हैं सवर्ण दीर्घ, स वर्ण संधि है, इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या होगा, सवर्ण दीर्घ का अक्ष सवर्ण दीर्घ है, इसका जैसे हम इस सूत्र की बात करें तो अक्ष सवर्ण दीर्घ में क्या कहा गया है कि अगर इनके बाद में कोई भी स्थान आ जाता है, जैसे कि ए है, छोटा ई है, छोटा ओ है, बड़ा ओ नहीं है यहाँ पर, छोटा ओ, इनका खुद का दीर्घ हो जाता है, छोटा ओ है, तो इनका खुद का दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ के अंदर क्या होगा, इनका खुद का दीर्घ होगा, जैसे मान लीजिए आ के बाद में क्या आ जाता है, ए या आई ही आ जाता है, तो इनका दीर्घ क्या होगा, बड़ा आ, यानी ये आई ही इसका दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, विद्या प्लस आलय, तो इसमें यहां पर भी आ है और यहां पर भी आ है, तो ये दोनों आप मिलकर के आई बनाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, विद्यालय, तो विद्यालय, यानी दोनों आप मिलकर के सिर्फ आई बनाते हैं, तो ये विद्यालय बन जाता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी,
तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आई। अब मान लीजिए ई का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे दूसरा रूल यहाँ पर क्या कहता है, सवर्ण दीर्घ अंत ई का एग्जाम्पल ले लिया, छोटी ई और बड़ी ई ले लिया। इसमें छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो हम क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा, तो बड़ी ई ही बनेगा यहाँ पर। तो बड़ी ई बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इति प्लस इव, तो यहां पर भी छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, इतिव, इति प्लस इव, तो ई और ई मिलकर के बना रही है इतिव, तो बड़ी ई बन जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रविंद्र का हम बनाते हैं क्या, संधि विच्छेद, तो इसका क्या बनेगा, रविंद्र में हम ले सकते हैं रवि, छोटी मात्रा आ जाएगी, प्लस इंद्र, छोटी मात्रा आ जाएगी, दोनों छोटी ई मिलकर के क्या बनाती है, बड़ी ई बनाती है, तो ये बन जाएगा बड़ी ई, तो रविंद्र हो गया, इस तरीके से आ जाता है। इसी को हम ऊ के, ऊ से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, इसके बाद में आ जाता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर ये छोटा ऊ है, यहाँ पर भी ये छोटा ऊ है, तो क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा, तो ये बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, भानुदय, इस तरीके से बन जाएगा। अब बात करते हैं हम ऋषि की, ऋषि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऋषि है, ऋषि ये बड़ा वाला ऋषि भी हो सकता है, तो इसके बाद में अगर ये ऋषि ये वाला ऋषि बनेगा हमेशा। जैसे हम बात करते हैं पितृऋणम की बात करते हैं, पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ प्लस ऋणम है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये भी ऋ है और ये भी ऋ है, तो हमेशा त्र, तो त्र के अंदर दो बार ऋ लगेगा, तो ये बनेगा पितृ और ऊपर प्र भी लग जाएगा, तो पितृणम हो जाएगा यहाँ पर, पितृणम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये रे के अंदर बदल जाएगा, री है ये बड़ा रे के अंदर बदल जाएगा, और ये रे है पहले से पितृ प्लस, तो ये वाला रे तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, आधा रे, तो ये री वाला है ये बड़े रे में बदलेगा। अब बात करते हैं पूर्व रूप संधि की, पूर्व रूप संधि में क्या होता है, ये स्वर संधि का ही प्रकार है। छठा नंबर का है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि में क्या होता है, का जो सूत्र होता है अंग पदादान्ति, अंग गय है यहाँ पर, अंग डे नहीं है, अंग है ये, अंग पदादान्ति, पदा पदान अंग पदांता दति, अंग पदांता दति से हम कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी पद के अंत में मान लो अंग आ रहा है, अंग मतलब कि ए और ओ आ रहा है पद के अंत में, तो ए और ओ आएगा और उसके बाद में कोई भी मान लीजिए हर्ष स्वर आता है, हर्ष स्वर मतलब कि छोटा स्वर जो बिना मात्रा का स्वर आता है, जैसे कि ए और ओ के बाद में हमारा आ रहा है ए आ रहा है, तो ये दोनों स्थान हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के ए ओ है और ए आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से बना लेते हैं,
ए बोलते हैं इसको, इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक है हमारा अंते, अंते प्लस अपि, तो इसमें क्या रहा है, ए में ये ए है, ए प्लस ए क्या बना लेंगे, ये दोनों ए बना लेंगे, तो ये बना लेंगे, ये वाला ए बना लेंगे, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, अंते अपि है, ये बन जाएगा, अंते के बाद में ये वाला ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अंते अपि, ये इस तरीके से बनेगा, डपी नहीं है ये, अपी है, अंते अपी। हरे प्लस ये वाला ए बना लेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हरे तो पूरा आ जाएगा, ये वाला ए है यहाँ पर आ जाएगा, और वह तो हरे हो जाएगा इस तरीके से, हरे, तो हर्ड हर्डब नहीं है ये, हरे भी है। नेक्स्ट हम देखें कि इसी के अंदर हम एक और देख लेते हैं, ए और ओ के वाला, ओ वाला लॉजिक हम देख लेते हैं। ओ वाले लॉजिक में क्या होता है, मान लीजिए कि ओ के बाद में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओ के बाद में ए आएगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा ए के अंदर ही बदलेगा, यानी कि इस तरीके से बदलेगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, विष्णु, विष्णु प्लस अत्र, यानी ओ प्लस क्या आ रहा है, ये वाला ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा विष्णु अत्र, ये इस तरीके से बन जाएगा विष्णु अत्र। जैसे हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि को प्लस अपी, तो इसमें ओ है और प्लस ए है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए, तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो पूर्व रूप संधि हो गई हमारी, अब बात करते हैं पर रूप संधि की। पर रूप संधि के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर एंगी पर रूपम, इसका सूत्र होगा पर रूप संधि का, ये सातवा प्रकार है पर रूप संधि का, पर रूप संधि, स्वर संधि का सातवा प्रकार है पर रूप संधि। पर रूप संधि के अंदर क्या होता है, इसका सूत्र होता है, एक तो होता है एंगी पर रूपम से सूत्र होता है इसका, एंगी को कैसे लिखते हैं, एंगी पर रूपम, ये इसका सूत्र होता है। एंगी पर रूपम सूत्र में यदि हम देखें जो उपसर्ग आता है, जैसे कि ए और ओ के बाद में, इनसे क्या होगा, कोई भी स्वर हमारा प्रारंभ होगा, पर रूप मतलब किस प्रारंभ होगा, जैसे पहले तो अंत में आ रहा था, जो पूर्व रूपण संधि थी उसमें तो अंत में आ रहा था, यानी अंत होता था उसके, इसके साथ में क्या होगा, ए और ओ से ये प्रारंभ होगा। जैसे यहां पर हमने देखा था अपर रूप संधि में, ये ए और ओ के साथ में क्या हो रहा था, इसका अंत हो रहा था शब्द का अंत, तो वो कहलाती पूर्व रूप संधि। और पर रूप संधि में क्या होगा, इससे स्रव आरंभ होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि शुरुआत होगी इससे, ए और ओ से, तो यानी ये स्वर हैं स्टार्टिंग में आते हैं, और इनके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए के स्थान पर ए और औ हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए ए प्लस ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, प्र प्लस ए जाते, तो प्ले प्लस ए जाते क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर ए है प्लस यहाँ पर ए है, तो ये बनेगा, अब ये ए की मात्रा किसमें लगेगी, प में लगेगी, तो ये बन जाएगा प्रे जते, इस तरीके से।
तो यहां पर हम जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्लस क्या हो ओ हो, तो ए प्लस ओ हो तो ये भी ओ में, जैसे ओप, अब ओ प्लस ओ सती में हम देखें ये ए है और प्लस ये ओ है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और ओ की मात्रा किसमें लगेगी, इस पै के अंदर लगेगी ओ की मात्रा, तो ये बन जाएगा उपोसती, तो ये पै के अंदर लग जाएगी, तो उपो सती ये बन जाएगा, तो उपोसती हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं संकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी इसी का एक और टाइप है यहाँ पर रूप के अंदर ही, दूसरा कौन सा है, सकंद्वा दिशु पर रूपम वाच्य, स क न देव सकंद्वा दिशु, सकंद्वा दिशु बोलते हैं इसको, पर रूपम वाक्य, पर रूपम यानी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सकंद्वाधिकम में यहाँ पर सक प्लस अंधु आ गया, मान लो कहीं पर भी आ गया सक प्लस अंधु, तो वो क्या हो जाएगा, सक अंधु के अंदर बदल जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से आ सकता है, सक सबके बाद में जाता है प्लस अंधो, ऐसे चेंज होगा सक प्लस अंधो, तो इसमें क्या होगा, कोई भी वर्ण आएगा वो उस तरीके से जुड़ जाएगा, जैसे कि सक में हम देखें सक प्लस अंधो, इसमें क के अंदर ए भाग है, यानी इसका कटा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं कटी भाग, तो सक में अंधो का भाग है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ये बन जाएगा सकंधु, सकंधु यानी इसमें चेंज कुछ नहीं होने वाला है, जैसे कह है तो कह ही रह रहा है अपन, और ए का लोप हो रहा है, तो ये सकंधु बन गया डायरेक्ट, कह को हमने हटा दिया है। जैसे हम बात करें मनस प्लस ईसा, ये है, अब इसमें जो स है ये वाला स, ये मन का क्या है, मन प्लस ये कणिसा है, ये बन जाएगा मनीषा, यानी ये वाली ई की मात्रा है ये डायरेक्ट लग जाएगी, तो ये बन जाएगी नेम में मनीषा, ये वाला से यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मनीषा। एक होता है कर्क प्लस अंधु, सक प्लस अंधु है ये, अब कर्क प्लस अंधु हम देखते हैं इसी में होता है पर रूपम संधि में, कर्क प्लस अंधो, तो कर्क प्लस अंधो में किस तरीके से बनेगा, कर्क में ए जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा कर्क और इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो कर्क प्लस अंधो ये बन जाएगा कर्क अंधो, तो यानी कि कह के ऊपर रह जाएगा कर्कंध, कर्क तो ये हो गया यहाँ पर, नेधु यहाँ पर आ जाएगा, तो कर्कंधु हो जाएगा ये इस तरीके से। एक है यहाँ पर कुल प्लस अटा, तो वो कुलटा हो जाता है, जैसे कुल प्लस अटा, तो ये कुलटा हो जाएगा, ए को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, जैसे कि इसको हम जैसे बोल सकते हैं क्या है ये, कुल कुल आधा है, ले आधा है यहाँ पर और ए है, तो कुल प्लस अटा है, तो ये क्या बन जाएगा, कुलटा, उल्टा यहाँ पर संधि हो जाएगी, यानी संधि जोड़ कर हम लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और इसी में हम देखें यहाँ पर एक क्या होता है, पतत प्लस अंजलि, तो पतंजलि का जो बनेगा यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा,
यानी अदत है प्लस अंजलि, अंजलि, तो ये ए यहां पर गायब हो जाएगा इसमें से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि पत अत और पत अत प्लस अंजलि, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, पत अत प्लस अंजलि। तो ये बन करके क्या बनेगा, पतंजलि बनेगा। तो इसमें ये वाला ए हट जाएगा यहाँ पर, और ये पतंजलि यानी तय है ये भी पूरा हो जाएगा, ये अत है ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा पत पूरा आ जाएगा और जन पतंजलि, तो ये जय आ जाएगा पतंजलि, इस तरीके से बनेगा यहाँ। इसके बाद में हम, ये हमारी स्वर संधि है, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी बोलते हैं। एक और होती है प्रकृति भाव संधि, जिसका कोई संधि विच्छेद है यहाँ पर एग्जाम्पल होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आदेश का भाव होता है, यानी आदेश उसमें होता ही नहीं है, उसमें कुछ बनता नहीं है, तो उसको प्रकृति भाव संधि बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम प्रकृति भाव संधि के बारे में बात करें, जैसे आठवां प्रकार है और संस्कृत में ये पाई जाती है संधि, प्रकृति भाव संधि, इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, पहले तो प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रकृति भाव संधि का सूत्र होता है प्रकृति भाव संधि का। अगर सूत्र हम लिखें तो ये होता है इदि द्विवचनम प्रगणम, यानी ये दो वचनों में टूट जाती है, इदु द्विवचनम, द्विवचनम प्रग्रहणम, प्रग्रहणम मतलब ग्रहण कर लेती है, तो दो वचनों में टूट जाती है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि इसमें जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं प्रकृति भाव संधि के नियम, कि इकारांत उकारांत या यकारांत है, वो द्विवचन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो प्रकृति भाव हो जाता है, और यानी हम कह सकते हैं कि वो जो कहते हैं रह जाता है, इकारांत उकारांत में आ जाता है। इकारांत उकारांत या एकारांत जो वर्ड होते हैं, इकारांत, इकारांत की हम बात करें जैसे हरि में इकारांत आ रहा है, उकारांत आता है, और मान लीजिए एकारांत आता है, एकारांत, इकारांत उकारांत और एकारांत, एकारांत। तो इनके बाद में अगर कोई भी स्वर आता है, क्या आता है स्वर, तो वो क्या हो जाता है प्रकृति भाव हो जाता है, यानी प्रकृति भाव का मतलब जो क्या त्यों वो रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें इकारांत उकारांत और एकारांत का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हरी, हरी में इकारांत है प्लस तरीके से तो ही बन जाएगा, ये तक हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हरि है, तो क्योंकि इकारांत के बाद में स्वर आया इसलिए जो कहते हैं बन जाएगा, ये प्रकृति भाव बन गया है। जैसे मान लीजिए विष्णु इमो, क्या है विष्णु इमो, तो विष्णु इमो में यानी उकारांत में क्या रहा है ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा विष्णु इमो ही यहाँ पर बन जाएगा, विष्णु इमो, तो ये प्रकृति भाव संधि होती है, जो भी आएगा वो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे व्यंजन संधि, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।